स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से दिन भर की रोटी डेली डिवोशन में, परमेश्वर की प्रेजेंस में, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और आज 23 सितंबर 2021 के लिए परमेश्वर का जो जीवित और सामर्थी वचन, प्रभु का वायदा मेरे और आपके लिए, वो हमको मिलता है व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसके 11 अध्याय और उसके 13 और 14 पद के अंदर। हालेलुया। व्यवस्था विवरण 11 अध्याय 13 और 14 पद, जहां इस प्रकार से लिखा है, और यदि तुम मेरी आज्ञाओं को जो आज मैं तुम्हें सुनाता हूँ ध्यान से सुनकर अपने संपूर्ण मन और सारे प्राण के साथ अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखो और उसकी सेवा करते रहो, तो मैं तुम्हारे देश में बरसात के आदि और अंत दोनों समयों की वर्षा को अपने अपने समय पर बरसाऊंगा, जिससे तू अपना अन्न, नया दाखमधु और टटका तेल संचय कर सकेगा। आमीन। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर जो है वो हमसे प्रेम रखता है। परमेश्वर चाहता है कि हम उससे प्रेम रखें। परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी सेवा करते रहें। परमेश्वर जो है वो हमारे हमको अन्न देना चाहता है, नया दाखमधु देना चाहता है, टटका तेल देना चाहता है। वो चाहता है कि सब चीजों की भरपूरी हमारे पास हो, उन चीजों को हम संचय करके रख सकें, इकट्ठा करके रख सकें। हालेलुया। हमारे खत्ते भरे पूरे रहें। परमेश्वर हमें उमड़ता हुआ कटोरा देना चाहता है, दबा दबा कर, हिला हिला कर, लबालब परमेश्वर हमको अपनी आशीषों से भरना चाहता है। हमारे जीवन पे अपरंपार आशीषें करना चाहता है। हमें सिर बनाने वाला परमेश्वर है। वो हमें बहुतायत का जीवन देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो हमें बारिश का वायदा परमेश्वर कर रहा है हमारे लिए। बारिश जो है वो आशीषों को दर्शाती है। शावर्स ऑफ ब्लेसिंग, देयर शैल बी शावर्स ऑफ ब्लेसिंग। हालेलुया। होवेगी बरकत की बारिश। हालेलुया। और यहां पर जब हम देखते हैं कि जो कैननाइट्स लोग थे वो एक एक बाल देवता की पूजा जो है वो करते थे, जिसको वो लोग ये विश्वास करते थे कि जब हम इसकी पूजा करेंगे तो ये हमारे लिए बारिश करेगा। वो ये मानते थे कि बारिश और मौसम जो है वो सब बाल देवता के नियंत्रण में रहता है, इसलिए यदि हमको हमारी फसल के लिए जो है बारिश की जब जरूरत होती है तो हमें उसकी पूजा करनी चाहिए ताकि वो प्रसन्न होकर बारिश करे, ताकि हम हमारी खेती अच्छी हो। ऐसा इस प्रकार का वो अन्य जाति के लोग जो है वो विश्वास करते थे। लेकिन परमेश्वर इस बात को यहाँ पर डिक्लेयर कर रहा है और वो कह रहा है कि तू अपने संपूर्ण मन और सारे प्राण के साथ अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखना। हालेलुया। और उसकी सेवा करते रहना। परमेश्वर कह रहा है कि मैं बरसाऊंगा तुम्हारे लिए बारिश। हालेलुया। मैं तुम्हारे लिए बारिश बरसाऊंगा, आदि की भी और अंत की भी। आदि की बारिश यानी जिससे भूमि जो है वो सॉफ्ट होगी और खाद जो है वो तैयार होगी, भूमि मुलायम होगी, ताकि वो जब बीज उसके ऊपर डाला जाए तो वो उस बीज वो बीज जो है वो उसके अंदर मतलब फल लेकर आए, वो बड़े। हालेलुया। वो बेकार ना जाए, उसके लिए पहले उस भूमि को तैयार करने के लिए बारिश की जरूरत होती थी, मुलायम करने के लिए भूमि को, हल जोतने के लिए, खेती करने के लिए पहले भूमि जो है वो मुलायम होनी चाहिए। और वो आदि की वर्षा का कार्य रहता था, अक्टूबर नवंबर के मंथ का कैलेंडर के अनुसार। और जो लेटर रेन होती थी अप्रैल के मंथ की, वहां पर जो अंत की बारिश के बारे में बताया गया, जब फसल बो दी जाती थी और वो बढ़ने लगती थी तो कटनी के लिए तैयार होने के लिए जो है वो बारिश होना जो है वो जरूरी था, ताकि फसल जो है वो फाइनली जो है वो हार्वेस्ट जो है वो फाइनली फसल जो है वो कटने के लिए तैयार हो जाए, कटने के लिए तैयार हो जाए। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि मैं आदि की भी बारिश करूंगा और अंत की भी बारिश करूंगा। परमेश्वर का ये वायदा आज भी इसराइल देश में पूरा हो रहा है। आज भी इसराइल की जो भूमि है मोस्ट फर्टिलाइज लैंड जो है वो कही जाती है, सबसे उपजाऊ भूमि जो है आज भी जो है इसराइल की भूमि को
पूरी दुनिया में माना जाता है। और जब हम ब्लेसिंग आत्मिक अर्थ को इसके समझते हैं मेरे प्रियो, तो बारिश जो है वो ब्लेसिंग को दर्शाती है, और ब्लेसिंग जो है वो परमेश्वर की उपस्थिति में होती है, परमेश्वर के भवन में होती है, परमेश्वर के निकट आनंद की भरपूरी होती है, उसके दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। हालेलुया। और जब हम इसके आत्मिक अर्थ को समझते हैं, जो परमेश्वर ने मुझको समझाया कि आदि की वर्षा और अंत की वर्षा, आदि की वर्षा यानी वर्शिप टाइम और अंत की वर्षा यानी प्रीचिंग टाइम। हालेलुया। बहुत बार हम वर्शिप को बहुत इंपॉर्टेंट समझते हैं और प्रीचिंग को हम इंपॉर्टेंट नहीं समझते, वो भी गलत है, क्योंकि प्रीचिंग वो बीज है, वचन वो बीज है जो हमारे हृदय में बोया जाता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं वचन को बीज के समान बताया है, वचन के अंदर दृष्टांतों के द्वारा, उदाहरणों के द्वारा। हमें इस बात को समझना है कि वो बीज तभी बोया जा सकता है जब आराधना के द्वारा वो हृदय मुलायम हो चुके हैं, नहीं तो अगर वो हृदय कठोर रहेंगे तो कभी भी आप बीज कितना भी आप बो, वो उस हृदय में बस नहीं पाएगा, अधिकाई से नहीं बस पाएगा, जड़ नहीं पकड़ पाएगा। हालेलुया। फलवंत नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि अभी तक हृदय कठोर है। इसलिए हृदय को कठोर करने के लिए पहले आराधना होती है, ये परमेश्वर का नियम है। हालेलुया। आदि की वर्षा यानी पहले आराधना, उसके द्वारा भूमि को मुलायम किया जा रहा है, बीज के लिए तैयार किया जा रहा है, संदेश के लिए तैयार किया जा रहा है, और फिर अंत की वर्षा यानी अब बीज को बोया जा रहा है, फसल बढ़ रही है, कटनी के लिए, रैप्चर के लिए, कलीसिया के उठाए जाने के लिए, परमेश्वर की दुल्हन को उसके वचन के द्वारा तैयार किया जा रहा है। हालेलुया। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु महान है मेरे प्रियो। परमेश्वर हमें प्रकाशन देता है, वचन को समझाता है, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। ये बात जो मैंने सीखी है वर्शिप और प्रीचिंग के बारे में, अर्ली रेन और लेटर रेन, ये डायरेक्ट परमेश्वर के आत्मा ने मुझे सिखाया है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा हमें वचन के प्रकाशनों को देता है और अपनी महिमा के लिए हमको इस्तेमाल करता है। आमीन। परमेश्वर आप सभी को इस वचन के द्वारा बहुत तायत के साथ आशीष करे। तो आज के इस डेली डिवोशन में ये प्रश्न मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि अर्ली रेन, हालेलुया, आदि की वर्षा क्या है और अंत की वर्षा क्या है? हालेलुया। आदि की वर्षा क्या है और अंत की वर्षा क्या है, और किस प्रकार आदि और अंत दोनों वर्षा एक विश्वासी के लिए अनिवार्य है? मैं फिर से कहता हूं, आदि की वर्षा क्या है, अंत की वर्षा क्या है, और आदि की और अंत की वर्षा किस प्रकार एक विश्वासी के लिए अनिवार्य है? कमेंट कर जरूर YouTube पर आप इस वीडियो के नीचे बताएं। शरीर रोकेगा, मन रोकेगा, लेकिन आत्मा कहेगी करना है, क्योंकि तैयार होना है, सीखना है और दूसरे लोगों को भी सिखाना है। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको बहुत तायत के साथ आशीष करे। हैव अ सुपर ब्लेस्ड डे। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।